अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज डेट है जी 11 तारीख, सातवां महीना 2022। हमारा सफर शुरू हो रहा है नारान की तरफ और अभी जो है हम निकले हैं बेगमकोट शाहदरा से, और नारान का जो फासला है वो है यहाँ से तकरीबन 660 किलोमीटर। आगे हम जाएंगे बाबूसर टॉप तक और सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैमिली व्लॉग है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस व्लॉग में। आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इस सफर में बहुत ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो बताने वाला हूँ कि सफर कैसा है, कितने दिन का है, कितना खर्चा आता है, कहाँ कहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं, कौन कौन से पिकनिक पॉइंट्स हैं और कहाँ कहाँ हम जाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस सफर में दिखाने वाला हूँ। और अभी आप साथ में बने रहिए और देखते रहें, वीडियो को एंड तक देखना, मिस नहीं करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अभी से कमेंट कर दें, बाकी आप आगे देखें, सीन ऑन है। अच्छा जी, सीन ये है कि अभी जो है वो भेरा इंटरचेंज के ऊपर पहुंच गए हम और यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं क्योंकि ईद का सेकंड डे है और देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल है। और अभी जो है हम भी चाय के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं किसकी अच्छी चाय है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और अभी वक्त हुआ है तकरीबन 2:30 बजे का। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? चाय मिल जाएगी? चाय क्यों इस टाइम नहीं खत्म? लो जी, यहाँ पर चाय नहीं है, चाय फिनिश है, कहीं और से पता करते हैं। यहाँ पे मिल रही है चाय। चाय है भाई जान? वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, उसका मतलब है ये। यहाँ पर भेरा इंटरचेंज में मैं आपको टू बी ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, किसी भी इंटरचेंज के ऊपर आप रुकेंगे ना, बहुत ही मुश्किल है कि आपको फ्रेश दूध की चाय और अच्छी चाय मिले। लेकिन पीना जो है वो हमारी मजबूरी है क्योंकि रात का सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चाय की चुस्की लगाना ज़रूरी है, इसलिए ले ली है। लेकिन टू बी ऑनेस्टली मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। लाहौर से इस्लामाबाद इंटरचेंज का जो डिस्टेंस है वो है 380 किलोमीटर और इसका जो हमने टूल पे किया है वो है 2100 रुपये लाहौर से लेकर इस्लामाबाद मोटरवे इंटरचेंज तक का। बस दैट्स इट, ओके हो गया। अच्छा जी, पेट्रोल डाला है हमारा 12,000 रुपये का पूरा लाहौर से लेकर। और अभी ये भाई कौन सा इंटरचेंज आया है इस्लामाबाद के से आगे? हकला इंटरचेंज तक जो है हमारा फ्यूल लगा है 12,000 रुपये का। ये गाड़ी है हाईएस्ट, बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी है ये। नारान जाने के लिए लाहौर से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है वाया जीटी रोड और दूसरा रास्ता जाता है वाया मोटरवे। और अगर आप टूर के लिए जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप मोटरवे का इंतखाब करें। और ये आप देख सकते हैं छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, और उसके अलावा जो है बाकी मोटरवे का इंतखाब करें और अच्छी गाड़ी का इंतखाब करें ताकि आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो सफ़र के दौरान। क्योंकि अगर आप टूर करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना कंफर्ट देखें और उसके बाद जो है कोई दूसरी चीज़, क्योंकि अगर आप अपना कंफर्ट नहीं देखेंगे तो टूर का कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इस वक्त टाइम हो गया है तकरीबन सुबह के 5 बज चुके हैं। हमने पिछले 5 घंटों में सफ़र किया है 400 किलोमीटर का और ये एवरेज से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हमने जो सफ़र किया है। और अभी जो है हम हकला इंटरचेंज क्रॉस कर चुके हुए हैं और आगे सीन ऑन है। हाँ जी, भूख लगी है इरफान भाई? हाँ जी, बड़ी भूख लगी है, सुबह सुबह ही भूख लगी है आपको तो। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, सीन ऑन है जी। अभी सुबह 5:30 बजे का वक्त है और अभी हम जो है वो एंटर हो रहे हैं पेशावर मोटरवे से मानसेरा मोटरवे की तरफ। और इस टूर के लिए जो हमने बजट बनाया है वो तकरीबन 2,10,000 रुपये का बजट है। उम्मीद करते हैं कि इसमें पूरा हो जाए, वैसे ईद है तो थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं पैसे। अभी जो है आप देखें सुबहान अल्लाह, एबटाबाद मोटरवे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये आगे थोड़ा सा जाएँ तो मानसेरा की मोटरवे की पहली टनल आप देख सकते हैं जो कि सी पैक की टनल है, बहुत ही खूबसूरत टनल है। यहाँ से गुजरें तो इसके बाद जो सीन आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं।
साढ़े छः घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हैं मानसेरा में, और यहाँ पर ये जो है मानसेरा का बहुत ही खूबसूरत रेस्ट एरिया बना हुआ है, मानसेरा रेस्ट एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही खूबसूरत है, पीछे बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। माहम माहम कम हेयर, मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। कितना एंजॉय कर रही हो आप? मैं तो इतना एंजॉय कर रही हूँ। वाओ, बारिश में भी मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। मौसम तो ठंडा ठंडा बना हुआ है, आपको सर्दी नहीं लग रही? नो। क्यों? मुझे क्यों सर्दी? ये देखो हमारी प्यारी सी डॉल आई है। और हमारी ये है छोटी डॉल अरीशा, सोई हुई उठी है और बहुत ज्यादा थक गए बच्चे, क्योंकि साढ़े छह घंटे की ड्राइव थोड़ा सफर नहीं होता। और अरीशा मजा आ रहा है आपको? बताओ। सोई उठ के आई, अभी मूड नहीं है इसका, बोलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है हाइट से, आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी खूबसूरत। क्या क्या कह रही हो मेरी जान? किसके ऊपर चढ़ना है? पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है मेरी जान। आपको कितना शौक है पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का? लाहौर से नारान जाने के लिए दो रास्ते हैं मानसेरा तक, एक तो मोटरवे जाती है और दूसरा है जीटी रोड। आप वैसे जीटी रोड की बजाय मोटरवे का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और टाइम भी इससे बच जाता है और सफ़र भी आपका अच्छा हो जाता है। मानसेरा मोटरवे से एग्जिट करते साथ ही थोड़ा सा आगे आएँ तो आगे आपको एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा बालाकोट, थाकोट और डडियाल। आपने बालाकोट की तरफ टर्न लेना है वहाँ से, और वो जो रास्ता है एक शॉर्टकट रास्ता है बालाकोट की तरफ जाने का। और यहाँ पर ये सीन आते हैं आगे आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जिसको हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हकला इंटरचेंज से लेकर बालाकोट तक हमारा फ्यूल लगा है 5,851 रुपये का, और अभी जो है हम बालाकोट को क्रॉस कर रहे हैं। बालाकोट की जो एक डिटेल्स के साथ वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो अलग से वीडियो अपलोड करूँगा और आगे के सीन आप देखें। अगर आप अपनी गाड़ी पर रात के 12 बजे लाहौर से निकल रहे हैं तो सुबह तकरीबन 7 बजे तक आप बालाकोट पहुंच जाएंगे। तकरीबन 7 या 8 घंटे का सफ़र बनता है बालाकोट तक का, और आप बालाकोट में जाकर और एक नहायत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। वो नाश्ता होता है जी वहाँ पर सिरी पाए का, जो कि आप मामा होटल से कर सकते हैं। बालाकोट की वीडियो मैंने अलग से एक बनाई है, वो आप जाके देखें, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरा ये है कि जब भी आप बालाकोट जाएं तो बालाकोट में भी आप एक तो नाइट स्टे कर सकते हैं, और दूसरा आप जो है आगे केवाई में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। केवाई से एक पॉइंट जाता है शोग्रांग की तरफ, और शोग्रांग से फिर ऊपर सिरी पाया की तरफ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। केवाई से जो फासला है शोग्रांग का वो है 8 किलोमीटर, और फिर आगे 6 किलोमीटर सिरी पाया तक का, और वहाँ पर जाने के लिए आपको जीप हायर करना पड़ती है। आज तो सफ़र बहुत ही लंबा हो गया हमारा, तकरीबन पिछले 12 घंटे से हम सफ़र कर रहे हैं, और पहुँचे हैं हम इस वक्त केवाई में, और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सोच रहा हूँ कि यहीं पे कोई मुनासिब सा होटल मिल जाए तो वहाँ पर स्टे करें आज रात, तो फिर आगे कल निकलें नारान की तरफ। अभी जो है ये सामने मुझे एक स्टूडेंट बिरयानी वाला होटल नज़र आया, यहाँ से हम करेंगे नाश्ता। लेकिन मज़े की बात यह है कि नाश्ता बनाऊँगा मैं खुद, और बाकी सारे खाएंगे मज़े से। और ये जो है सामने देखें कितना ही खूबसूरत सीन है केवाई का। केवाई में एक बहुत ही मशहूर जगह है, वो है आबशार कैफ़े। अभी मैं आपको आबशार कैफ़े का भी सीन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर जो है कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल रूम्स वगैरह लेके फैमिली को स्टे करवाया जाए, उसके बाद आपको जो है वो दिखाया जाए केवाई आबशार। लेकिन जो आमलेट वगैरह ना वो हम बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे नाश्ता करते हैं और खुद ही बनाते हैं आगे।
अगर आप केवाई से शोगरां की तरफ या सिरिपाया की तरफ नहीं जाना चाहते तो आपके लिए एक और ऑप्शन होती है, वो है शरां फॉरेस्ट की, जो कि आपको केवाई से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले के बाद पारस का मुकाम मिलता है। और ये वो बाज़ार है जहां पर आप जो है ये जीप्स वगैरह हायर करके शरां फॉरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल है शरां का, और पाकिस्तान का ये ठंडा तरीन जंगल इसको कहा जाता है। और वहाँ पर आप कैंपिंग पॉड्स भी ले सकते हैं। ये जो जीप्स लगी हुई हैं ये आप हायर करके जा सकते हैं। तकरीबन 3500 रुपया किराया है। वो आप सामने रोड देख रहे हैं और ये रोड से आपको ये जीप्स लेके जाती हैं। और इसके अलावा जो आपको वहाँ पर रहने के लिए कैंपिंग पॉड्स मिल जाते हैं, जो कि केपी की गवर्नमेंट से आपको पहले ही रिज़र्व करवाना पड़ते हैं, वो सामने जो नीचे ब्रिज है इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ पर रास्ता आपको मिलता है शरां फॉरेस्ट तक जाने का, जहाँ पर सिर्फ 4x4 गाड़ी जा सकती है या बाइक। नारान के रास्ते की जो खूबसूरती है वो है ये दरियाए कुनहार, जो कि आपके सारे रास्ते के बिल्कुल साथ साथ आपके साथ बहता हुआ जाता है, जो शुरू होता है लुलूसर झील से। अभी जो है लुलूसर झील पे भी हम जाएंगे कल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नारान का जो दरियाए कुनहार रिवर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। नारान में जो डैम बनाया जा रहा है उसकी ये हैं वो टनल्स, जो कि एक्सटेंशन के लिए पारस के मुकाम से निकाली गई हैं। नारान से लेकर जो यहाँ तक का फासला है तकरीबन 45 किलोमीटर तक का बनता है, जो कि ये 45 किलोमीटर की ये लंबी टनल्स पहाड़ों के अंदर से लाई गई हुई है। पारस से अगला पॉइंट जो आता है मलकंडी का पॉइंट आता है, ये भी एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर इसकी खास बात यह है, ये जो सामने आप सस्पेंशन ब्रिज देख रहे हैं और नीचे से गुजरता हुआ तेज धारता हुआ नारान का दरियाए कुनहार का पानी। ये हम पहुंच गए हैं महांडरी के बाजार में, और वादी कगान का जो सबसे बड़ा बाजार है यहाँ पर नारान से पहले वो है महांडरी का, जो कि पूरा साल खुला रहता है। बर्फबारी के बावजूद यहाँ पर जो है आमदोरफ्त जारी रहती है लोगों की भी और इसके अलावा टूरिस्ट की भी। अगर आप नारान जा रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि नारान में जा कर रात रुकें, इन जैसे होटल्स में भी रात रुक सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है इन होटल से, क्योंकि दरिया के बिल्कुल साथ होते हैं। ये हम नीचे आए हैं और हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें 2000 रुपये पर नाइट यहाँ पर कमरा मिल रहा है और आज रात हम यहीं पर ही रुकेंगे। वंस अगेन खाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर थोप दी गई है और मैं यहाँ पर खाना बना रहा हूँ, और बाकी सब जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आपके पास दोरी डंडा नहीं है कोई लहसुन अदरक कूटने के लिए, तो ये तरीक़ाकार बहुत ही ज़्यादा काम आता है। शॉपर में डालें लहसुन अदरक और किसी भी पत्थर से कूट दें इस तरह से। जहाँ पर टूल्स ना हो वहाँ पर जुगाड़ काम आते हैं। प्रेशर हमने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर और हम इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। हम अपनी तरफ से पूरे मुतमईन थे कि सिलेंडर में गैस मौजूद है। सिलेंडर वज़न में भी काफ़ी भारी लग रहा था, लेकिन अभी जो है सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई है और हम जा रहे हैं बाज़ार में सिलेंडर की गैस भरवाने के लिए। ईद का सेकंड डे था, दुकानें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी भाई ने शॉप खोल के जो है वो गैस रिफिल करके दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शॉप बनाई हुई है भाई ने, और काफ़ी सिलेंडर रखे हुए हैं। और यहाँ से आप भाई यहाँ पे आपके पास सिलेंडर भी होते हैं परचेज़ करने के लिए? बिल्कुल जी, यहाँ से आप अगर कोई सिलेंडर घर से नहीं लेके आया हो तो यहाँ से आप सिलेंडर भी परचेज़ कर सकते हैं। खाना हमारा रेडी हो गया और जब भी सबको खिला के तो फिर आराम से मैं भी सो जाऊँगा। 8 बजे का टाइम दिया था सबको और मैंने सबको 8 बजे उठा दिया है। मीटिंगें चल रही हैं, सब अपनी अपनी तैयारी हो रही है। सफियान साहब अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कपड़ों के शौकीन। वकार भाई को देखते हैं जो हमारे ड्राइवर हैं। हाँ जी, होश कर लो,
हाँ जी वकार भाई, कैसे हैं आप? उठ गए आप भी? बस ठीक है, 8 बज गए, 8 बजे का टाइम था। चलो जी मुँह हाथ भी धो लो। और सुबह सुबह ये सीन है यहाँ पर होटल के बाहर। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 कमरे, और अगर हम यहाँ पर रूम्स वगैरह ना लेते तो हम ज़रूर इन नज़ारों को मिस कर देते। और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ के, और मैं सुबह सुबह यहाँ पर नाश्ता कर रहा हूँ। वैसे सबके लिए सजेशन ये है कि भाई जब भी आप सफ़र के लिए निकलें तो कम से कम खाएं, ताकि सफ़र में आपकी तबीयत ख़राब ना हो। गाड़ी में मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ सबका। सब बाहर सेल्फियाँ बना रहे हैं। अभी 12 बज चुके हैं और मांडरी से हम निकलने वाले हैं नारांग की तरफ। आज सारा दिन जो है वो वादी कगान को हम एंजॉय करेंगे, जो भी इसके खूबसूरत पॉइंट्स हैं उनको विजिट करेंगे, और फिर जो है नारांग में पहुंचेंगे, वहां पे चेक इन करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम जाएंगे, प्लान ये है कि अगले दिन जाएं हम बाबूसर टॉप, और फिर परसों जाएं हम लेक सैफलमलुक। क्योंकि अभी टाइम हमारे पास काफ़ी है, तो इसलिए हम नारांग को खूब अच्छी तरह से विजिट करेंगे। हाँ जी इस बयान में ही नारांग कगान वैली की खूबसूरती जो है वो इन रास्तों में है। आप जब रोड पे निकलते हैं तो आप सबका जो ध्यान होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो आपके पास टाइम खुला होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 दिन या 7 दिन आपके पास नारांग कगान को एंजॉय करने के लिए होने चाहिए, ताकि इन रास्तों को आप अच्छी तरह से एंजॉय करें। जगह जगह पे रुक रुक के आप जाएं और इन वादियों के अंदर जाएं, लोगों से मिलें, तो फिर ही आपको इस वादी की खूबसूरती का पता चलता है। अभी नारांग में एक डैम तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से रोड की कंडीशन जो है वो कहीं कहीं पर ख़राब है, और ये है वो डैम जहाँ पर अभी जो है वो तैयारी चल रही है, लेकिन 2022 में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो है वो नया रोड एक बना दिया जाएगा। जो पुराने वाला रोड है वो डैम के नीचे की तरफ आ जाएगा, और रोड नया ऊपर से गुजारा जाएगा, जो कि आपको एक अच्छी लेक का भी यहाँ पर व्यू मिलेगा। यह है वो आबशार जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये भी। और यहाँ पर जो है छलियाँ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई मिलेंगी। मैंने भी यहाँ पर फ्रेश गर्मा गर्म छली लगवाई है, क्योंकि ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म छली खाने का अपना ही मज़ा है, जो कि हल्की फुल्की भूख को जो है वो ख़त्म कर देता है। और माशाल्लाह देखें आप, पानी कितना खूबसूरत आ रहा है, साफ़ शफाफ पानी। और हमारी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो पिकनिक को इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप इन जगहों के ऊपर नहीं रुकते, तो फिर आपका पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सफ़र का कोई इतना मज़ा नहीं होता जो कि रास्तों को एंजॉय करने का होता है। मैं भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं तो आबशार का व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। हाइट जो है वो थोड़ी सी स्टीप है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। नीचे आप देखें ज़रा पत्थर हैं, और ठंडे ठार पानी की बुछार जो है वो मेरे मुँह के ऊपर आ रही है। बहुत ही मज़े का मौसम है यहाँ पर। और जो है आप सामने देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें आप आबशार का कितना खूबसूरत व्यू है। छोटा भाई नुमान और बड़ा भाई अदनान वो सामने ऊपर चढ़ गए, बाहुबली की तरह ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो है रिस्की काम है, डोंट ट्राई दिस। मैं कहूँगा कि ये बेवकूफ़ी है जो ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो आपके सफ़र का इंजॉय जो है वो ख़त्म हो सकता है। ये नुमान नीचे आ रहा है और देखो कितना शोहा हुआ हुआ है भाई, ध्यान से। वो गिरने लगा था, बहुत मुश्किल से बचा, अभी स्लिप हो गया था यहाँ से, कैब गिर गई है इसकी, चीख रहा है। ये देखो जी चोट भी लगवा ली है, और मुंह देखो इसका। लो जी अभी जो है वो आप देख सकते हैं, चोट लगवाने के बाद ज़रा यहाँ पर पानी में नहा रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है, 1 मिनट भी नहीं यहाँ पर रुका जा सकता, लेकिन इसकी हिम्मत है। मैं ट्राउट फिश पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, जो है आपको ट्राउट फिश मिलेगी 2500 रुपये पर केजी, और यहाँ पर आपको तैयार करके देते हैं। लेकिन अभी हमने खाना खा लिया, तो हम आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ से ट्राउट हमारे हाथ नहीं आई। Oh, my God.
नरान हम शाम होने से पहले पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर अभी एक मेन काम है जो कि रूम्स तलाश करने। यहाँ पर आपको कमरे थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, और इसके अलावा जो है हमें जो है यहाँ पर कमरा मिल तो गया लेकिन थोड़ा सा लेट मिला, और काफ़ी सर्च के बाद हमें एक रूम मिला है यहाँ पर 4000 रुपये में। रूम मिलते साथ ही मुझे लगा दिया खाना बनाने के ऊपर, क्योंकि मैं शेफ़ हूँ तो मेरी फैमिली इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाती है कि इसको खाना बनाने के ऊपर लगाया जाए और इससे खाना बना बना के खाया जाए, क्योंकि घर में सारा साल तो वो हमें खिलाते हैं। और खाना हमारा रेडी हो गया है, जब आप फैमिली के साथ निकले तो अपना कुकिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। दाल चावल बनाए हैं मैंने बहुत ही मज़े के, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दूँगा और काली मिर्चें ऐड कर दूँगा ताकि दाल का मज़ा जो है वो डबल हो जाए। अभी खाना खाएंगे और थोड़ा सा बाजार को विजिट करेंगे। This is Naran Bazaar. We meet at the once Chinese. He is come from the China. Say hello. Say hello. Ni hao. Nice to have you. Excuse me. No, I'm living in Dubai. Oh, why you Dubai? Yeah. And meet also with Pakistani guys. He is very he's speaking very well Chinese, and we are in at Naran, and we are feeling so excitement today. Thank you. Most welcome. सुबह सुबह सुफियान के साथ धोखा हो गया है। हमें बताया गया था जी गर्म पानी मिलेगा, लेकिन सुफियान को ठंडे ठार पानी से नहाना पड़ा नरान में, और मुझे कह रहा था जी सर्दी बहुत लग रही है तो मैं इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। चलो भाई गर्मी लगी कि नहीं, सर्दी दूर हुई है, बस ठीक है। आज के दिन का जो प्लान है वो है जी जाएंगे हम बाबूसर टॉप की तरफ, और उससे पहले रास्ते में जो सीन आएंगे वो आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा हम करेंगे यहाँ पर जिप लाइन है एक्टिविटी, और दूसरा है राफ्टिंग। इन दोनों में से कोई या दोनों हम यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। और ये देखें जी हम पहुँच गए हैं तकरीबन राफ्टिंग पॉइंट तक, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बोट्स लगी हुई हैं और टूरिस्ट सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। और पहले प्लान है जी हम यहाँ पर सीधा जाते हैं जिप लाइन पर। जिप लाइन पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर खाने का ब्रेक हुआ हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर यहाँ पर जो है वो स्टाफ आ जाता है तो हम जिप लाइन लेंगे, अदरवाइज़ पहले जाके फिर हम राफ्टिंग करेंगे। नारान में जब आप आओ, अगर आप राफ्टिंग या जिप लाइन नहीं करके गए तो आपका नारान में आने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि एक्टिविटी के बगैर नारान का मज़ा अधूरा है। यहाँ पर हम आ गए राफ्टिंग प्रोग्राम पर, और यहाँ पर जो है टिकट हमने करवा ली है, लाइफ जैकेट्स हमारी रेडी की जा रही हैं, वो सामने देखें ज़रा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये बन गई है कि बच्चे हैं वो जिद किए जा रहे हैं, हमने भी बैठना है, हमने भी बैठना है। माम इधर देखो ज़रा, ये देखो ज़रा रो रो के क्या हाल कर लिया माम ने। अरीशा इधर देखो, अरीशा देखो तो सही चाचू की तरफ। वो जी यहाँ पर देखें ज़रा, अब मसला ये है कि बच्चे अलाउ नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम इनको किस तरह से हैंडल करें। जी असलान भाई मिल गई है जैकेट? मिल गई है जैकेट। अच्छा पहले ये वाली पहन ली थी असलान ने, मजे की बात चेक करो जरा। अच्छा जी नुमान रेडी हो गए हो? और नुमान रेडी हो गए हो? हाँ मेरी भी जैकेट निकालो जरा जल्दी से, हरी आप हेलमेट भी निकालो। नारायण बाजार से 2 किलोमीटर के ड्राइव के बाद आपको मिलती है यहाँ पर राफ्ट्स, और यहाँ पर राफ्टिंग के लिए आपको 500 रुपीज़ पर हेड पे करना पड़ता है। हम 8 लोग थे तो हमने डिस्काउंट करवा के 3000 रुपये में पूरी राफ्ट ली है, और हम यहाँ पर 8 लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी राफ्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, और लेट्स स्टार्ट बिगिन। और यहाँ पर जो है आगे जी हमारे कोच भी पीछे, और राफ्ट भी आ गई दरिया में, और यहाँ पर अभी जी फॉरवर्ड करें, कम ऑन बॉय, कम ऑन, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा, इधर मेरे घर हर तरफ कोरा कोरा। अरे भैया लैंड करा दो, लैंड करा दो, अरे भाई लैंड करा दो, एक हाथ से मैंने अपनी चला रहा हूँ। गहराइयों में
और ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारे कपड़े फुल चुके हैं, बहुत ही ठंडा। अरे भाई लैंड करा दो, हाथ नहीं आ रहा है भाई। ये हो रहा है आज एडवेंचर। ओहो कम ऑन, किस किस को मजा आया थंबनेल के साथ सब लोग। बहुत ही ज्यादा मजा आया, एडवेंचर हो गया है। ये है नरान की अधूरी ख्वाहिश, जब भी यहाँ पर आए यहाँ पर जो है राफ्टिंग जरूर करें। नंबर मैं आपको भाई का मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। नरान में एक और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, वो है जी चील सैफन लोग। उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आगे ही वीडियो बहुत लंबी होगी। ये हम पहुंच गए हैं जी बाटाकुंडी के मुकाम के ऊपर। आप लोगों के लिए वैसे एक सजेशन है कि जब आप नरान आ रहे हैं तो नरान में रुकने की बजाय आप बाटाकुंडी रुकें। यहाँ पर जो है वो आपको एक तो सीनरी बहुत ही खूबसूरत मिलती है और दूसरा यहाँ पर होटल्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और लग्जरियस किस्म के होटल हैं, और यहाँ पर आपको होटल भी मुनासिब मिल जाते हैं। नरान में रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप अगर सुकून चाहते हैं तो बाटाकुंडी में अपना स्टे करें, जो कि नरान से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, बाटाकुंडी के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और इसके अलावा आप देखें ज़रा, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट अब आते हैं और जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी तादाद में होटल्स भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही लग्जरियस टाइप के होटल्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सीनरी आप देखें कितनी ही खूबसूरत आ रही है, सामने वाला पहाड़ देखें। वैसे नरान में आने के लिए जो सबसे बेस्ट मौसम है वो है मई और जून के दरमियान में, यानी कि मई के एंड पे और जून के स्टार्ट में आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जो सीनरी मिलती है उसकी आप तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। ये सामने वाले पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है और ये मौसम आपको बहुत ही ठंडा मिलता है। बाटाकुंडी के बाद ये आपको ग्लेशियर मिलता है, जो कि इस रास्ते का सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है। इस ग्लेशियर की ख़ास बात यह है कि ये पूरा साल जो है वो ग्लेशियर मेल्ट नहीं होता, और आप यहाँ पर जो है इस ठंडी ठंडी बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं किसी भी मौसम में। उसके बाद यहाँ पर जो आप सामने वाटरफॉल देख रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी एक वाटर क्रॉसिंग होती है। इनकी एहतियात एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जब भी बरसात हो रही हो, बारिश हो रही हो, तो यहाँ से बाइक और गाड़ी ऊपर वाली साइड से गुजारें और बहुत जल्दी से गुजारें ताकि आपकी गाड़ी पानी के बहाव से नीचे की तरफ ना आए। अच्छा फ्रेंड्स, जो बाटाकुंडी के बाद अगला पॉइंट आता है वो है बुढ़ावई का। आप यहाँ पर भी अपना नाइट स्टे कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको सस्ते और बेहतरीन होटल्स मिल जाएंगे। वैसे अमूमन जो लोग गिलगित की या स्कर्दू की तरफ का सफ़र कर रहे होते हैं वो नरान में रुकने की बजाय अपना स्टे बुढ़ावई में करते हैं, ताकि अगले दिन का जो सफ़र है वो भी आसानी से कवर हो जाए और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इससे बच जाता है। बुढ़ावई के बाद आपको जो बेहतरीन पॉइंट्स मिलते हैं उनका मैं आपको बता देता हूं। वो है जी अगला पॉइंट है जलखड़, जलखड़ के बाद लुलूसर, लुलूसर के बाद दूधीपत सर, और फिर गेटीदास का मेडोज़ आपको मिलता है। और इन पॉइंट्स के ऊपर आप अपने जो हैं वो आप होटल्स वगैरह भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रोड है, ये बाबूसर टॉप का रोड है, जो कि सारा साल तो नहीं खुला रहता लेकिन आपको 6 महीने इस रोड के ऊपर सफ़र करने को मिल जाता है। इस रोड के ऊपर सफ़र करने के लिए जो मौसम होता है वो है जी अप्रैल से लेकर और नवंबर के एंड तक।
और बाकी जो दिन होते हैं, बाकी जो महीने होते हैं, इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जो कि कगान से लेकर बाबूसर टॉप तक का मुकम्मल रास्ता बंद हो जाता है। लो जी, गई भैंस पानी में। आगे बता रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और गाड़ियों की एक बहुत ज़्यादा लंबी सारी लाइन लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि जी हमारा बाबूसर टॉप जाने का प्लान जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जी सब लोग बता रहे हैं कि जी आगे ना जाएं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, 2-3 घंटे आप लाइन में फंसे रहेंगे, तो बेहतर ये यह है यहाँ से गाड़ी हम करते हैं जी टर्न और वापसी। जो नीचे मेडोज़ नज़र आ रहा था एक जलकट से पहले, उस मेडोज़ के ऊपर जाके फैमिली को बिठाते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आपको एक मैदान मिलेगा जलखड़ से थोड़ा सा पहले, और आप जब रोड से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ये वाजिया मैदान नज़र आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर अभी हम क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर अभी हम क्रिकेट प्रोग्राम करने लगे हैं और ये आ गए दूसरी टीम के कप्तान, और यहाँ पर जो है सब अपने अपने दोनों हम जो है खिलाड़ी चूज़ कर लेंगे, और उसके बाद हमारा टॉस होगा और जो भी टॉस विन करेगा वो पहले बैटिंग करेगा। अभी यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया जी अपने अपने खिलाड़ी सिलेक्ट करने का, और मैं भी जल्दी से अपने अपने खिलाड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। टॉस के लिए सिक्का यहाँ पर उछाल दिया गया है, और अभी जो है मैंने सिलेक्ट किया है हेड, देखते हैं क्या आता है। टेल आया है दूसरी टीम की बैटिंग। यहाँ पर हमारा क्रिकेट प्रोग्राम शुरू हो गया हुआ है, और ये अरसलान ने बॉल कर दिया, वाओ। क्रिकेट प्रोग्राम में भी फिलहाल जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, क्योंकि सामने फैमिली बैठी है, वो खाना शाना खा रहे हैं, तो अभी जो है हम थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेंगे उतनी देर के लिए। और यहाँ पे आप सीन देखें कि बहुत ही खूबसूरत सीन है। ये सीन्स आते हैं जी जलखट से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। पानी का बहाव जो है वो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर, और इसके अलावा फैमिलीज काफ़ी यहाँ पे आई हुई हैं, हमारी फैमिली भी यहीं पे एंजॉय कर रही है, और देखिए ज़रा बातों का सीन। दूसरी टीम ने रन्स बनाए हैं 4 ओवर में 84, और अभी जो है नुमान भरपूर कोशिश करते हुए कि कोई स्कोर जो है वो अच्छा बन जाए और पहले ही 2 ओवरों में तो हम जीत जाएं, लेकिन अभी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। लास्ट बॉल है और 4 रन्स चाहिए इस बॉल के ऊपर। अरसलान देखो क्या करता है, हिट, ओ नो, हार गए। और ये दूसरी टीम खुशियां मनाते हुए। पहाड़ों में हाइकिंग करने का जो मज़ा है उसका अलग ही लेवल है। सब लोग जा रहे थे सीधे रास्ते से, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा हाइकिंग वाले रास्ते से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सामने रोड है जहाँ पे आपको ब्लू बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, गाड़ी गुजर के जा रही है, वहाँ तक मैंने जाना है। अभी ये नीचे से थोड़ा सा झटके आया हूँ और मेरी बस हो गई है, लेकिन हाइकिंग का शौक है तो कर जाएंगे यार, बहुत ही मज़ा वाली जगह है। ये हमारी गाड़ी है, सामने खड़ी हुई है। बाबूसर टॉप तक तो नहीं जा सके, लेकिन जो हमने एंजॉय इस जगह के ऊपर कर लिया है, नीचे बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और नदी है, उसके किनारे हम बैठे हुए थे और क्रिकेट भी खेली है, और अब जो है यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र होगा। माइट भी अच्छा जी, जिस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर रुके हुए थे इसके ऊपर हम आए हैं, तो यहाँ पर ये लगा हुआ जी
मक्खियों का फार्म, शहद की मक्खियों का, यहाँ पे भाई ने शहद लगाया हुआ है और यहाँ से हमने शहद परचेज किया। आप सब भी यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ले लिया करें जब भी इन साइट्स के ऊपर निकलें नारान या नॉर्दर्न पाकिस्तान में, क्योंकि इन्हीं का रोज़गार जो है वो यहीं से लगा होता है, प्योर होता है, खालिश शहद होता है, ऐसा नहीं है कि मिलावट वाला होता है। ये हमने खुद यहाँ से जो है वो 5 डब्बे परचेज किए हैं, ये हमने जो है वो जंगली शहद भी लिया है और यहाँ से फार्म का शहद भी लिया है। यहाँ से जो है वो मैंने शहद के डब्बे परचेज किए हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट मिला है, ठीक है, तकरीबन 1500 रुपये में हमें ये पड़ा है और 1000 रुपये में ये दूसरा वाला, और आप भी यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त शहद है, मैंने खुद खाया है। और ये भाई हैं यहाँ पर, कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप यार? आप जो है हमारे साथ मेहमान आए हैं लाहौर से, सही, ये भाई भी हम उसके बहुत शुक्र गुजार हैं, थैंक यू सो मच। आप जो है सईद साफी नाम है आपका, आप अपना नंबर बता दे अगर आपसे कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो। मेरा नंबर है 03068837795। ये भाई ने नंबर बता दिया, नंबर आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं पे भी आप कहेंगे आपको शहद पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, एक्सपेंस कितना आया। एक्सपेंस हमारा जो टोटल आया है वो है तकरीबन 2,20,000 रुपये, और ये बहुत ही एक अच्छा हमारा टूर हो गया, जिस जितने पैसे हम लेके गए थे, जितने हमने एस्टिमेट लगाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन हमारा टूर जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। इसमें तकरीबन जो है वो हमारा 60,000 का फ्यूल लगा है, 60,000 गाड़ी को, और बाकी जो 1,00,000 रुपया है उसी में से होटलिंग और उसी में से हमारा खाना पीना और उसी में से जो हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं वो सब। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह से मुझे प्यार और मोहब्बत देते रहें, मेरे वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह।